नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सरकार ने पहल की है उनको रोजगार देने के लिए। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी विद्यार्थी चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हों या निजी कॉलेज में पढ़ते हों या कोई तकनीकी कॉलेज में टेक्निकल कॉलेज में पढ़ते हों, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पूरे डिटेल्स हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या वो न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना, मैं आपको एक एक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या साइट है, और उस साइट का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप साइट पे जा सकते हैं। तो लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर देखें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ये न्यूज़ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जितने भी राजकीय और निजी महाविद्यालय सबको ये जो प्रति है वो भेजी गई है। विषय क्या है? राजकीय और निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा अनुरूप रोजगारोन्मुख क्षमता विकास और दक्षता हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT कोटा के माध्यम से कौशल विकास के ऑनलाइन कोर्स वहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन है वो आरंभ हो गया है, यानी कि आपको फ्री में ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा। उसकी अवधि 6 महीने की, 3 महीने की, अलग अलग कोर्स की रहेगी। बिल्कुल आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वहां पर जाके अपना पंजीयन करना है, साइट पर पंजीयन करना है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान और IIIT कोटा द्वारा हस्ताक्षरित MOU की क्रियान्वयन्ति के संबंध, यानी एक MOU साइन होता है, उसके आधार पर कोई कार्यक्रम चलाया जाता है। यहाँ पर इसको डिटेल से देखें कि विद्यार्थियों के रोजगार पर क्षमता विकास हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत 10 संस्थाओं के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनमें से एक MOU विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा अनुरूप रोजगार उन्मुख क्षमता विकास और दक्षता हेतु IIIT कोटा के साथ किया गया है। इसी क्रम में IIIT कोटा की टीम द्वारा ई लर्निंग डाटा एनालिसिस लैब परियोजना के माध्यम से IIIT कोटा के ELDA मॉक पोर्टल पर राजकीय और निजी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां पर जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको मई सितंबर 2021 बैच के लिए निम्नलिखित कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसका नाम है MOOC जिसे कहते हैं, के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने हेतु तैयार है। पहला कोर्स है, वह है इंग्लिश फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, 6 सप्ताह की अवधि का है, लगभग आपका 1.5 महीने के आसपास। इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी 4 सप्ताह का है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 कोर्सेज और भी दे रखे हैं, जो एक 8 सप्ताह की अवधि का है और एक 5 सप्ताह की अवधि का है। इसके अलावा 2 कोर्सेज है वो लाभार्थियों के लिए शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग, यानी मशीन कैसे काम करती है इसका बेसिक नॉलेज, और क्राफ्ट ऑफ राजस्थान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके कोर्सेज हैं जो फ्री ऑनलाइन आपको इनका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये आपको रोजगार को बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। ये आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, लगभग 1.5 महीने के कोर्स आसपास हैं, ये 1.5 महीने के हैं, कोई 2 महीने का कोर्स है। तो मई सितंबर 2021 बैच में इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो निम्नलिखित लिंक का उपयोग किया जाएगा, वो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच जाए और हमें मोटिवेशन मिल सके। ये जो साइट है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ई लर्निंग एंड डाटा एनालिटिक लैब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा, यानी IIIT कोटा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना फुल नेम देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, अपना मोबाइल नंबर देना होगा, आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कॉलेज है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो यहाँ पे आप जो प्राइवेट है तो प्राइवेट वाले पे क्लिक कर देंगे, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट वाले पे। डिसिप्लिन के अंदर आपको ये करना है कि आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स कौन सी ब्रांच में आते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। क्वालिफिकेशन में आ जाएगा आप हाई स्कूल हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई PhD वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए भी हो सकता है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड दीजिए, इसमें लिखा गया है कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, और उसमें जो हैश टैग वगैरह हम देते हैं स्पेशल करेक्टर वो भी होने चाहिए, और नंबर भी इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर
अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से कर लिया है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाभदायक है। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, फ्री में ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसको पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमें कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, किस में हम इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।